तो हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड पर, अगर आपको जानना है कि आपके आधार कार्ड पर कितनी सिम रजिस्टर्ड हैं या कौन कौन सी आपके आधार कार्ड पर नंबर चालू हैं या कौन कौन सी सिम आपके रजिस्टर्ड हैं। क्या होता है, कई बार आप शॉप पर जाते हो और अपने आधार कार्ड से न्यू सिम लेते हो, फिर क्या होता है कि आप उसको डॉक्यूमेंट दे देते हो। ठीक है, जब आप कोई न्यू सिम लेते हो तो डॉक्यूमेंट तो देना पड़ता है, तो फिर क्या होता है कि वो दुकानदार कुछ फ्रॉड भी कर सकता है और वो दूसरी सिम भी किसी कस्टमर को दे सकता है आपके आधार कार्ड से। तो भाई, आपको फ्रॉड ना हो इसलिए आपको चेक करने के लिए कि हमारे जो आधार कार्ड पर क्या क्या कौन कौन सी सिम चालू है, कौन सी जियो की है, आइडिया की है या कोई कौन सी कंपनी की आपकी आधार कार्ड पर सिम चालू है, तो वो आप कैसे देख सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में या आपके पास कंप्यूटर है या पीसी में आप इसको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं, अपने फ़ोन में कोई से भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करके सर्च बार में आपको सिंपल से लिखना है संचार साथी। ठीक है, ये गवर्नमेंट का न्यू रूल आया है। ठीक है, इससे फ्रॉड को बचाने के लिए ये जो है गवर्नमेंट का न्यू रूल आया। देखो, संचार भागीदार वह व्यक्ति होता है जो आपके, ठीक है, यहाँ पर आपको जो संचार साथी जो वेबसाइट दिखाई दे रही है इस पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। ठीक है, आप अपने फ़ोन में भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके फ़ोन में ये ओपन नहीं हो रही है तो आप डेस्कटॉप साइड में भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर जाना है, यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा डेस्कटॉप है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको डेस्कटॉप मोड में कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल ब्लॉक, मोबाइल ट्रैक्स, रिक्वेस्ट रिसीव, यहाँ पर ये गवर्नमेंट की साइड है। अगर आपको यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे दूर संचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं sanchar.gov.in। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की 100% गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, नाउ योर मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन में आपको यहाँ पर नाउ योर मोबाइल कनेक्शन और यहाँ पर सिम का लोगो दिखा है, तो यहाँ पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। ठीक है, आपके फ़ोन में जो है साइड में निकलता है तो आपको यहाँ पर साइड में निकाल लेना फ़ोन में, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 10-डिजिट मोबाइल नंबर, ठीक है, जो आपका नंबर रजिस्टर है आधार कार्ड से, वो कोई सा भी नंबर आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये किसी दूसरे का डाल दिया नंबर। यहाँ पर आपको एंटर कैप्चर, ये जो कैप्चर है ये टाइप करना है। ठीक है, MXBGUK। ठीक है, तो सिंपल से आपको डाल देना है और यहाँ पर सेंड सक्सेस, OTP आपके मोबाइल नंबर पर जा चुकी है। ठीक है, तो आपके जो भी आपका नंबर है उससे आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल नंबर पर OTP गई है कि नहीं। OTP आने के बाद यहाँ पर आपको उसको OTP डालना है। ठीक है, तो चलिए वेट कर लेते हैं OTP का। तो गाइस, यहाँ से आप, अगर आपके पास OTP नहीं आ रही है तो यहाँ से आप रीसेंड भी कर सकते हैं। रीसेंड करने के बाद यहाँ पर फिर से नंबरिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास फिर भी OTP नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, मेरी OTP इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरे जो है नेटवर्क अभी नहीं आ रहे हैं, वरना यहाँ पर OTP आपके मोबाइल में आ जाएगी। जैसे अगर आपकी अदर से में कोई भी, या आप मेरे अभी सर्वर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ फाइनली जो है हमारी OTP आ चुकी है और OTP आ चुकी है। ठीक है, तो अपन OTP डाल देते हैं। फिर यहाँ पर आपको सिंपल से लॉगिन कर देना होगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद नो योर नंबर कंसेक्शन इशू योर नंबर लॉगिन, अरे भाई मोबाइल नंबर थोड़ी सॉरी OTP अभी गलत डली है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आप OTP मैंने गलत डाल दी है तो OTP डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन कर देना। ठीक है, तो वहाँ पर आपके सारे नंबर खुल जाएंगे, यहाँ पर सिम कार्ड भी खुल जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई भी फेक की बात नहीं है। भाई कोई सोचता है कि भाई ये फेक है, तो ये देखिए, ये देखो गवर्नमेंट की साइट है government.in। ठीक है, ये तभी लगा रहता है government.in, तभी लिखा रहता है जब ये गवर्नमेंट की साइट हो या वेबसाइट हो। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल बनाए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर